अलवर में आयोजित कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल के समर्थन में आयोजित जनसभा, सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार अपने संबोधन में सरकार द्वारा घोषित योजनाओं को जनहित में लागू करने की बात दोहराई। इस अवसर पर कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं सैकड़ों समर्थक मौजूद थे। गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणाओं को झूठी बात बताया। आपने देखा कि जो भी योजना पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे अलवर जिले के अंदर आई है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी लाई है। आपने जो अलवर के लिए कर सके पूरे जिले के अंदर आप कर सके वो आपने अलवर के लिए किया। आज यहाँ पूरी सबसे बड़ी जो समस्या है पूरे अलवर जिले की समस्या है वो है पेयजल की समस्या। गेंद साहब आपको याद होगा मैं केंद्र में मंत्री था, आपकी सरकार थी, आपने बजट मोदी जी कहते मेरी गारंटी पक्की है। मैं कहता हूँ मोदी जी आपकी गारंटी कच्ची है। आप जब चुनाव हो जाएगा 25 तारीख को पान खाते का रास्ता नहीं आओगे, आपकी गारंटी क्या काम आएगी, क्या काम आएगी, उनके वादे क्या काम आएंगे। जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे आखिर में वो सड़क बनाएंगे, वो स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, नगर परिषद वो बनाएंगे, मिनी सचिवालय वो बनाएंगे, क्या करेंगे वो आकर गांव में जाएंगे और फिर थोप देंगे। आप सोच सकते हो किस दिशा में देश जा रहा है। हमने जो गारंटी दी हमने कानून पास किए, इसके बाद एक शानदार कानून है किसानों का कानून, जमीन कुर्क नहीं हो सके, न्यूनतम आय का गारंटी कानून में आ गया। मेरे घर के शहरों में रोजगार इंदिरा गांधी रोजगार योजना दे दी हम लोगों ने, वर्कर्स का अलग कानून बना दिया हम लोगों ने, राइट टू हेल्थ हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं नहीं होगा, स्वास्थ्य का अधिकार चिरंजीवी बीमा में 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं पर नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है। 5 लाख का है वो केंद्र वाला, वो 25 मिनट जनता के लिए है। राजस्थान का बीमा जो है 25 लाख का गरीब अमीर सबके लिए है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। कितना आराम हो रहा है,